दोस्तों, मेरे चैनल पर जो एक वीडियो बहुत ज़्यादा चला है वो हाजीपुर का जो ब्लॉग वीडियो बनाए थे हाजीपुर कटिहार का, उसमें मस्जिद का भी हमने थोड़ा सा सीन दिखाए थे। वो वाला वीडियो बहुत अच्छी चला है। आप वीडियो पर बने रहिएगा, मस्जिद का सीन आपको दिखाएंगे अच्छी तरह से कि कैसे है मस्जिद हम लोगों का। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आलम, आप देख रहे हैं आलम डेली ब्लॉग को। तो दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली लेट से आ रहा है क्योंकि पिछले 7 तारीख से मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, जिस वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और एग्ज़ाम का टेंशन कितना होता है आपको पता ही है। हम पैरामेडिकल का कोर्स जो कर रहे थे उसका फाइनल एग्ज़ाम अभी चल रहा है और आज है 11 तारीख, 1 महीना 2022। तो आज जो है मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद जो है मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, तभी आपको जो है सारा चीज़ सारा व्यूज़ दिखाएंगे। और आज लास्ट एग्ज़ाम है तो वहाँ पे भी आपको ले जाके व्यूज़ दिखाने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो दोस्तों, अब समय का 1:30 बज रहा है और हम अब निकल रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो एग्ज़ाम 2 बजे हैं लेकिन हम थोड़ा सा पहले ही पहुँच जाएँगे। 2:30 बजे है, सॉरी, एग्ज़ाम 2:30 बजे से है और हम थोड़ा पहले ही पहुँच जाएँगे, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है रास्ते में, तो रास्ता उस्ता जाम हो जाता है। कल ही एक्सीडेंट हो गया था तो पूरा रास्ता को जाम कर दिया था, तो मैं थोड़ा पहले ही पहुंच जाऊंगा ताकि ऐसा समस्या खड़ा ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में तो वो सब सुनेगा नहीं, आपको एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों, अब मैं पहुँच गया हूँ कॉलेज, मासूस लगा करके देख रहे हैं कॉलेज। यार, कॉलेज में बहुत ही हार्डनेस है, मतलब वहाँ पर मोबाइल वगैरह ले जाने का कोई अलाव नहीं है। तो अब मैं डिक्की में यहाँ पर मोबाइल रख दूँगा, उसके बाद मैं चलूँगा। तो दोस्तों, अभी समय के 5 बज रहे हैं और अब मैं एग्ज़ाम दे के बाहर निकल गया हूँ। ये आपको कॉलेज का पूरी तरह से व्यूज़ दिखाऊंगा। तो आज जो है मेरा लास्ट डेट था एग्ज़ामिनेशन का, तो मैं पूरा एग्ज़ाम आज क्लियर कर दिया हूँ और आधा घंटा पहले ही जो है एग्ज़ाम क्लियर कर दिया हूँ। ये मेरा एडमिट कार्ड आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये जो है ना, बहुत आज जो है एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड था। ये कॉलेज का पूरा व्यूज़ है, तो फिर यहाँ से चलते हैं घर, फिर आगे आपको दिखाते हैं व्यूज़। तो दोस्तों, यही कॉलेज था जिस पर हम एग्ज़ाम दिए हैं, केंद्रीय विद्यालय इस कॉलेज का नाम है। तो बाहर से ऐसा व्यूज़ दिखता है यहाँ का, तो इसी तरीके का पूरा व्यूज़ दिखता है इस कॉलोनी का। और ये है एग्ज़ाम का जो सेंटर मेरा था वो। तो दोस्तों, कल एग्ज़ाम देने के बाद हम घर आ गए थे और रात हो चुका था और वीडियो भी एंड नहीं कर पाए थे, तो आज जो है वीडियो एंड करूँगा। तो आज जो आप देख सकते हैं हमारे बाल जो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और एग्ज़ाम के लिए हम बाल भी नहीं कटा पाए, तो आज हम जाएंगे बाल कटाने के लिए। अभी तो फ़िलहाल मैं दुकान में हूँ और यहाँ पर बैठ के हम फिलहाल अभी बैठे हुए हैं, बारिश भी हो रही थी इधर, लेकिन अभी हम जाने वाले हैं बाल कटाने के लिए क्लासिक। तो आपको क्लासिक का भी व्यूज दिखाऊंगा, आप बने रहिए वीडियो पर। मैं आ गया हूँ उसी लोकेशन पर जहाँ पे मैं वीडियो शूट करता हूँ, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये पेड़ था तो पेड़ कट चुका है, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा पत्ता उत्ता। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर जो एक वीडियो बहुत ज़्यादा चला है वो हाजीपुर का जो ब्लॉग वीडियो बनाए थे हाजीपुर कटिहार का, उसमें मस्जिद का भी हमने थोड़ा सा सीन दिखाए थे। वो वाला वीडियो बहुत अच्छी चला है। आप वीडियो पर बने रहिएगा, मस्जिद का सीन आपको दिखाएंगे अच्छी तरह से कि कैसे है मस्जिद हम लोगों का। और उस टाइम में हम ये सोच के नहीं बनाए थे कि वीडियो जो है वायरल हो जाएगा, वीडियो चलेगा, लेकिन वो वीडियो अभी देख रहे हैं बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, अच्छा व्यूज़ भी आ रहा है, तो मैं सोचा कि क्यों ना उस पर भी एक और वीडियो बना दिया जाए। तो दोस्तों, बात ऐसा है कि हमने कई बार चैनल ओपन किया और कई चैनल ओपन किया लेकिन मेरा वीडियो चल नहीं पाया और वीडियो बन भी नहीं पाया, समय समय पर वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए वीडियो चल भी नहीं पाया, जिस कारण जो है मेरा चैनल का ग्रोथ हुआ नहीं और चैनल चल भी नहीं पाया। तो दोस्तों, आप लोग भी YouTube पर अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यहाँ पे आप मेहनत कीजिएगा तो आपको अगर सक्सेस मिलता है तो यहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है,
लेकिन हाँ, आप जो है अपना धंधा पानी को छोड़ छाड़ के इस पर नहीं आइए। हाँ, कंसिस्टेंसी बना के रखिए और डेली वीडियो डालते रहिए, तब जो है थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके डेली वीडियो डालते रहिए, तब हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आपको यहाँ से रीच मिल जाए और आने वाला समय में आपका अच्छा फैन फॉलोइंग हो जाए तो पैसा अच्छा कमा सकते हैं। बट आप बोलिए कि कोई काम को छोड़ करके सब चीज़ छोड़ छाड़ के इसी में लग जाएंगे, तो उससे जो है आपका इस पर काम करने से शुरू में तो पैसा आएगा नहीं, तो इसमें आप काम वैसे कर नहीं सकते हैं। तो आप भी अगर इसी तरह का डेली ब्लॉग और ब्लॉग वगैरह अपना लाइफ स्टाइल शेयर कर सकते हैं, ताकि हो सकता है कि आपको रीच मिले तो आपको आपका चैनल भी आगे चल के बड़ा हो तो पैसा इनकम हो सकता है।